Hello guys, I am Prashant Tesar and you are watching 5 Tech Tutorial. Learning gives you creativity. So guys, आज का अपना टॉपिक है. आज मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आज का जो अपना कंसेप्ट है ये बहुत ही यूजफुल है फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिनके सब्जेक्ट में फिजिक्स में कुछ ये चैप्टर्स हैं. चैप्टर्स का वेटेज क्या है, हमारे लिए कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर JEE नीट स्टूडेंट्स के लिए. दिस इज वेरी यूजफुल लेक्चर टू यू फॉर यू. सो यू पीपल स्टे हियर टिल लास्ट वीडियो के लास्ट तक आप बने रहो और आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आज इधर से मिलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर आपके स्टडीज में काफ़ी हेल्प मिले, और हो सकता है नहीं, ये होगा ही होगा. तो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. अभी इन आर टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर का वेटेज क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड, दैट इज द यूनिट एंड मेजरमेंट, there are two category, minimum marks and maximum marks. This minimum marks means from this chapter 5 marks to puchega hi puchega with option. Agar option mein ye chapter se question dala to 7 marks ka aapka is pure unit and measurement chapter se aapko questions aane wale. For your board point of view, for your board also board ke liye bhi ye important chapters hai. आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, टॉपिक का वेटेज ये. इसके साथ साथ मैं एक अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंट्रेंस में इसका क्या वेटेज है. सिमिलरली सेकंड चैप्टर, दैट इज द मैथमेटिकल मेथड, इस चैप्टर का जो वेटेज है मिनिमम मार्क्स दैट इज द 5, मैक्सिमम मार्क्स 7. तो सिमिलरली यूनिट एंड मेजरमेंट की तरह पे आप तरह से आपका मैथमेटिकल मेथड भी इंपॉर्टेंट है ऐसे ही. नेक्स्ट है मोशन इन प्लेन. अगर मैं मोशन इन प्लेन की बात करूँ यहाँ पे, तो मोशन इन प्लेन अदर देन दिस टू चैप्टर, अगर दोनों चैप्टर्स के बाहर की अगर बात करूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों चैप्टर के कंपेयर में. तो ये 6 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विथ ऑप्शन. फोर्थ लेसन लॉ ऑफ मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन ये पूछने वाला है. मतलब ये चैप्टर्स अगर आपने कर लिया तो आपका 7 मार्क्स तो फिक्स हो गया है आप लोगों के लिए, और 9 मार्क्स विद ऑप्शन आपका है. तो विदाउट ऑप्शन कंसेप्ट ही अपने को देखना है. तो दैट इज द ये चैप्टर आपके लिए 7 to 9 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है. तो ये चैप्टर आपके लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशन, या सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग में लास्ट में एन नहीं है, दिस इज द ग्रेविटेशन. तो इन द ग्रेविटेशन चैप्टर आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है विथ ऑप्शन 7 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स है. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये थोड़ा से कम वेटेज का है, 4 to 6 मार्क्स इसका वेटेज है. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अगर मैं बात करूँ, दैट इज द 5 to 7 मार्क्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. साउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द 5 to 7 मार्क्स अगेन. एंड इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द ऑप्टिक्स, दैट इज द 7 to 10 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 10 मार्क्स इसका वेटेज है. तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है ऑप्टिक्स. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है आपका 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विथ ऑप्शन है. तो ये चैप्टर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है आपका, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज द 4 to 6 मार्क्स इसका वेटेज है. मतलब 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 6 मार्क्स विथ ऑप्शन इसका वेटेज है. मैग्नेटिज्म 4 to 6 मार्क्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW एंड कम्युनिकेशन सिस्टम 4 to 5 मार्क्स इसका वेटेज है. थोड़ा से अदर चैप्टर्स कंपेयर में ये कम वेटेज का है. सेमीकंडक्टर 4 to 6 मार्क्स. तो दिस आर योर 14 चैप्टर्स टिल नाउ. इनके कंप्लीट आपका 70 मार्क्स का पेपर है आपका बोर्ड का, और जिसमें से 98 मार्क्स टोटल विथ ऑप्शन है, 70 मार्क्स आपको करना रहेगा, 70 मार्क्स आपका मैक्सिमम मार्क्स है. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिज आर द टॉपिक्स एंड इट्स वेटेज. In this topic, optics is the most important chapter for you all, and the second chapter is the motion in law of motion. Optics and law of motion, ये दो chapters तो हमें करना ही करना है, because this chapter is also important for your entrance. तो entrance के लिए भी important होते हैं. तो ये दो chapter मैंने आपको निकाल के दे दिए, ये दो chapter तो आप सबसे पहले खत्म कर डालो अपने. तो ठीक है students, आज के session में फिलहाल इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे next time. Take care, bye bye. We'll meet you. Thank you. जय हिंद.